रायसेन के उदयपुरा में नर्मदा नदी के किनारे प्राचीन इच्छाधारी नाग नागिन की मूर्ति मिली है। बुराज घाट पर सफाई के दौरान लोगों को पत्थर की प्रतिमा रेत के अंदर दबी हुई मिली। लोगों ने प्रतिमा को बाहर निकाला और पूजन पाठ शुरू कर दिया। प्रतिमा निकालने की खबर लगते ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये 10वीं सदी की मूर्ति है, जिसमें नीचे नाग नागिन की आकृति है और ऊपर के हिस्से में देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस तरह की मूर्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। कथा करने आए थे स्नान करने के लिए, हम लोग सब बैठे हुए थे, पर यहाँ देखा कि एक नाग नागिन की मूर्ति, इच्छाधारी भगवान की मूर्ति है, तो हम लोग यहाँ दर्शन करने आए। मूर्ति अद्भुत है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, हम लोगों को ऐसा लगा कि इसका अच्छा सुंदर मंदिर बनना चाहिए जब सबकी इच्छाएं पूरी हो। ये इच्छाधारी नाग नागिन की मूर्ति है, ये यहाँ कचरे के ढेर में के नीचे थी वो मूर्ति, तो उस कचरे को साफ किया जा रहा था तभी वो मूर्ति दिखी और उसको खुदाई से निकाला। मूर्ति की स्थिति 5 फीट की हाइट है, सुंदर मूर्ति है, उसके साथ में गणेश जी की मूर्ति भी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना।